हमारे उस डॉक्टर के या उस एफआईआर के एफआईआर जो हुआ है जिस गाड़ी नंबर पर, उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। लिहाजा आपके सहवान के तवज्जुह से आप उसकी नोटिस लेकर इस हमारे मॉल की ताद रसीद की। शुक्रिया। जवाब पड़ा हुआ तसव्वुर किया जाए। जवाब मुझे दिया गया, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। जनाब शेख जायद हॉस्पिटल एक हमारी कौमी वर्षा है और जो हमें खैरात में मिली है, मेरा ख्याल जो खैरात में चीज़ मिलती है उसकी कोई अहमियत भी होती है, सवाब भी बहुत ज़्यादा है अगर कोई समझे। उसमें जो पोस्टें थी, जो जंग अखबार के इस तराशे के मुताबिक इसमें 53 पोस्ट थे और उसमें 67 बंदे भर्ती हुए हैं और वो जाकर 81 बंदों तक पहुंच गई। तो इसमें बिल्कुल हमारे जो जो अखबार के मुताबिक या उसके कानून के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया गया है। इसमें जनाब स्पीकर साहब, इसमें जो लोग भर्ती हुए हैं वो अन टेक्निकल लोग हैं जिनमें मुख्तलिफ शोबाज है। MRI में हमारे जो दोस्त या जो वहाँ पे जो टेस्ट के मुताबिक कराची से उन्होंने डिप्लोमा की थी दाओ मेडिकल से, उनको रिजेक्ट करके दो अनएक्टिव या दो जिनके पास डिप्लोमा ना होने के बराबर उनको वहाँ अपॉइंट किया गया। इसके अलावा जो हमारी फीमेल वहाँ पोस्टें थी उन पर, दो फीमेल पोस्टों पर उन्होंने 3 मर्दों को भर्ती किया है। तो इस पर भी मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। और उसके अलावा हमारे जितने भी वहाँ मशीनरी पड़ी हुई, MRI है, CT स्कैन है या कोई और ऐसा मशीन है, उन पर भी अनएक्टिव डिप्लोमा ना होने के बराबर लोगों को बिठाया गया। जो अब उनके एक MRI मशीन है या CT स्कैन हमारी मशीन है वो ख़राब हुआ है और उस पर मेरा ख्याल 14-15 लाख रुपए उसकी रिपेयरिंग पर लग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मौजू हमारे मौजूद मिनिस्टर साहब इस चीज़ का नोटिस लेकर और ऐवान को मुतमईन करें। पिछले गवर्नमेंट में अगर वो गलत हुए तो हम इस पर इंक्वायरी करेंगे और इस पर जल्दी एक कमेटी बनाएंगे, सेक्रेटरी साहब, DG साहब इस पर कमेटी बनाएंगे और इस पर इंक्वायरी करेंगे। अगर गलत हुए तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। शुक्रिया जी जनासन।